Hello students, today I'll discuss about the verbs infinitives part 1. आज की क्लास में हम वर्ब्स के बारे में बात करेंगे, इन्फिनिटिव के बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज वर्ब. तो वर्ब, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग. इट इज कॉल्ड वर्ब. मीन्स ऐसी कुछ चीजें जो पर्सन या थिंग के बारे में जो बताती हैं, वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं. और इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन से एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. इन दिस सेंटेंस यू कैन सी सीता सिंग्स. तो व्हाट डज सीता डू, सीता क्या करती है, तो सीता सिंग्स. तो सिंग हमें क्या बताता है, सीता के बारे में बताता है. तो ये वर्ड जो सिंग वर्ड है हमें पर्सन के बारे में बता रहा है. सो वी कैन से सिंग इज वर्ब. ओके, द डोर इज ब्रोकन. तो व्हाट इज ब्रोकन, क्या टूटा हुआ है, डोर. तो डोर के बारे में कौन बता रहा है, इज ब्रोकन, ब्रोकन बता रहा. तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया. तो ऐसे वर्ड्स जो हमें किसी पर्सन के बारे में, किसी थिंग के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं कुछ भी, दोज आर कॉल्ड वर्ब्स. उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम वर्ब्स में, वर्ब्स इन्फिनिटिव पार्ट 1 में वर्ब के बारे में पढ़ेंगे. ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब क्या होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम इन्फिनिटिव के बारे में पढ़ेंगे, जीरेंड के बारे में, और पार्टिसिपल देखेंगे. ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट इज हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ वर्ब. तो बेसिकली देयर आर टू पार्ट्स ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब. तो व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है. तो अ वर्ब व्हिच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस. मींस इफ देयर इज गिवन एनी वर्ब एंड इट हैज नीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस, सो वी कैन से इट इज ट्रांजिटिव वर्ब. ओके, जब कोई वर्ब किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड रखता है अपने सेंटेंस के सेंस को कंप्लीट करने के लिए, दोज आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. यू कैन सी सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर आल्सो. आई रीड अ बुक. तो आई रीड, तो इन दिस सेंटेंस अ बुक इज ऑब्जेक्ट, रीड इज वर्ब. तो वर्ब हैज अ नीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट सेंस. ओके, सो वी कैन से रीड इज ट्रांजिटिव वर्ब. नेक्स्ट सेंटेंस इज ही मेड अ पिक्चर. तो व्हाट डिड ही मेड, अ पिक्चर. तो अ पिक्चर इज ऑब्जेक्ट, सो वी कैन से मेड इज ट्रांजिटिव वर्ब. क्लियर. इन दिस सेंटेंस वी कैन आस्क अ क्वेश्चन आल्सो, व्हाट डू आई रीड. हम क्या पढ़ते हैं, तो अ बुक. हमें क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट, अ बुक मिल रहा है, सो वी कैन से रीड इज ट्रांजिटिव वर्ब. इन दिस सेंटेंस ही मेड अ पिक्चर. तो व्हाट डिड ही मेक, तो आंसर क्या फाइंड आउट होगा, अ पिक्चर, सो वी कैन से मेड इज ट्रांजिटिव वर्ब. नाउ क्लियर. Now listen about intransitive verb. What is intransitive verb? A verb which does not require an object to complete its sense. Means ऐसी verbs जिन्हें अपने sentence के sense को complete करने के लिए किसी भी object की need नहीं होती है, those are called intransitive verb. Just opposite of transitive verb. Transitive verb has need of any object to complete its sense, but intransitive verbs have no need of any object to complete its sense. They have already complete sense. उनका पहले से ही complete sense होता है, इसलिए उन्हें किसी भी object की need नहीं होती है. Clear? जैसे example given है यहाँ पर, the baby sleeps. In this sentence, baby क्या करता है, सोता है. ठीक है, तो सोना क्या हो गया यहाँ पे, intransitive verb है. Clear? Next sentence is given here also. The boy weeps loudly. कैसे रोते हैं, weeps करते हैं, loudly रोते हैं. तो weeps यहाँ पे क्या हो गया, intransitive verb. Clear? तो in these sentences, यदि हम पूछें यहाँ पर what does baby, नहीं फिर से question करते हैं, what does baby sleep, बच्चा क्या सोता है, तो कोई answer हमें नहीं find out होता है. या what does baby, what does boy weep, लड़का क्या रोता है, कोई answer नहीं find out होता है. Means object की need नहीं है. Both verbs have complete sense. ये दोनों verbs sentence के जो sentence given है, जो ये दोनों verbs हैं क्या है, already इनका complete sense है. So they have no need of any object to complete its sense because they have already complete sense. So we can say these are intransitive verb. Clear? चलिए next देखते हैं बेटा, what is linking verbs. Linking verb क्या होती हैं? तो linking verbs are verbs which do not point to an action but join the subject and the subject complement in a sentence. Means जो linking verbs होती हैं, तो linking verbs are used to combine a subject with a complement.
मीन्स जो लिंकिंग वर्ब्स हैं वो एक सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने का काम करती हैं, तो दोज वर्ब्स आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। यू कैन से वंस अगेन, लिंकिंग वर्ब्स आर वर्ब्स व्हिच डू नॉट पॉइंट टू एन एक्शन, किसी एक्शन को पॉइंट आउट नहीं करती हैं, बट ज्वाइन द सब्जेक्ट। क्या करती हैं? मेन वर्ब क्या होता है? टू ज्वाइन द सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मीन सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से क्या करती हैं? जोड़ती हैं इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में। तो अब ये लिंकिंग वर्ब्स होती कौन सी हैं? फॉर्म ऑफ बी, जितनी फॉर्म्स ऑफ बी होती हैं वो सब क्या होती हैं? लिंकिंग वर्ब होती हैं। फॉर्म ऑफ बी क्या होती हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, बी, ये सब क्या है? फॉर्म ऑफ बी हैं। उसके बाद और भी हैं, लुक है, अपीयर है, ग्रो है, सीम है, साउंड है, टेस्ट है, दीज आर लिंकिंग वर्ब्स आल्सो। ओके, ये सभी क्या है? लिंकिंग वर्ब्स हैं। तो स्टूडेंट्स, यू विल लर्न all linking verbs also, you will learn definition of transitive and intransitive also and definition of linking verbs also. Now look, some examples are given here. The sky appeared cloudy. Appeared, so appeared is linking verb. जो subject को किसे कर रही है? Cloudy means complement से क्या कर रही है? जोड़ रही है। Pumpkin plants grow fast. तो pumpkin plants are subject और grow क्या कर रही है? Linking verb है, जो कि fast से क्या कर रही है? इसको combine कर रही, जोड़ रही है। तो students, these are the rules of verb, transitive verb, intransitive verb, linking verb. In next part, I'll explain about the infinitive, finite verbs, non-finite verbs. Okay? So thank you so much for watching this video.